गाइस वेलकम टू बेट एकेडमी गाइस, ये इस वीडियो सीरीज का थर्ड पार्ट है। ये हम चैप्टर 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स कर रहे हैं इस सीरीज में, ठीक है गाइस। इससे पहले सीरीज में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखे हैं कार्बन के, कार्बन कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाता है और दूसरे भी कंपाउंड से बनाते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था। अब गाइस आप सोच रहे होंगे, चलो ठीक है, कार्बन जो है एक नॉन मेटल है जिसके आउटर मोस्ट शेल में जिसको मेटलॉइड बोलते हैं, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कार्बन जैसे और भी तो एलिमेंट है ना, कार्बन जैसे और भी तो है, जैसे आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है गाइस 14, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8, 4, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी तो चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम कार्बन को ही क्यों चूज करते हैं। हमारा टॉपिक फर्स्ट यही है कि कार्बन को ही क्यों चूज कर रहे हैं और आप जो है सिलिकॉन को चूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कार्बन और सिलिकॉन में सिमिलर है, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, और चार जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी, वैलेंसी बोलते हैं ना, जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के। अब क्योंकि इसके पास चार है तो चार के लिए हम यूज करते हैं टेट्रा, क्या यूज करते हैं टेट्रा, तो इस प्रॉपर्टी को हम इसकी बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, टेट्रा वैलेंसी, यही मैंने लिखा हुआ है, कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, इसीलिए वो क्या है, इतना कैपेबल है वो चार अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। कैसे, कार्बन है इसके पास ये चार इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसे चार बॉन्ड बना सकता है ना गाइस, ठीक है, किसी कार्बन एटम से या किसी अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट से। मोनोवेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल वैलेंसी होती है, जिसके मोनो का मतलब होता है सिंगल, जिसके आउटर मोस्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब सिंगल की बात क्यों कर रहा हूं, चार बॉन्ड कब बना पाएगा, अगर वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना पाएगा, ठीक है, तभी वो चार बनाएगा ना, तो मोनोवेलेंट एलिमेंट के साथ या किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ जब वो चार बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बना सकता है, इसकी कैपेबिलिटी है, क्यों, उसके पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी प्रॉपर्टी को गाइस हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। चलो ठीक है गाइस, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, ठीक है, और ए के पास भी की कैपेबिलिटी है कि आप जो है उसके पास भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, मान लीजिए क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, जो ए स्टूडेंट है उसके पास तो दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन बी स्टूडेंट्स के पास दोस्त नहीं है, बी भी तो बना सकता है ना, क्यों, क्योंकि उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है, चलो वो बना भी सकता है तो, लेकिन उसकी दोस्ती टूट जाती है, ठीक है, जो ए है ना वो है कार्बन, ये दोस्त बनाता है और दोस्त बना के रखता भी है, टूटते नहीं है इसकी दोस्ती, लेकिन सिलिकॉन के केस में क्या होता है, जब वो दोस्त बनाता है तो टूट जाते हैं। दोस्त का मतलब यहाँ पे होता है जब कार्बन जो है दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो वो बहुत बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं गाइज, ठीक है, और जो सिलिकॉन जो है बॉन्ड बनाता है दूसरों के साथ वो स्ट्रांग नहीं होते, इसी एबिलिटी को कार्बन की हम बोलते हैं, जो उसको अदर दूसरे एलिमेंट के साथ अलग करती है, डिफरेंशिएट करती है, कैटिनेशन, द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन कॉल्ड कैटिनेशन, वो एबिलिटी कार्बन की जिसकी वजह से वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है और उसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, बहुत लंबे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लॉन्ग चेन बनती है कार्बन की, जब बॉन्डिंग बनाता जाएगा तो ज्यादा रिश्ते होंगे, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं इसकी वजह से, ठीक है। एक बार आपका समराइज कर देता हूं, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, किसके, कार्बन के, इसीलिए गाइज वो कैपेबल है चार अदर एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, या तो वो कार्बन हो सकता है या अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट हो सकता है, मोनोवेलेंट का मतलब जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये टेट्रावैलेंसी जो है प्रॉपर्टी सिलिकॉन के लिए भी होती है और कार्बन के लिए भी, लेकिन सेकंड जो प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, वो डिफरेंशिएट करती है सिलिकॉन और कार्बन को, सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है लेकिन 7 या 8 एटम्स तक, लेकिन वो क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, उनकी दोस्ती कमजोर होती है, वो टूट जाते हैं, ठीक है, इसीलिए जो आपकी जो है वो ज्यादा लार्ज कंपाउंड नहीं बना सकता, कार्बन जो है बना सकता है, ठीक है, उसके बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, उसकी दोस्ती स्ट्रांग होती है, और इसी प्रॉपर्टी को, इसी एबिलिटी को हम बोलते हैं कैटिनेशन।
तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा सिलिकॉन क्यों नहीं बना सकता, सिलिकॉन गाइस इसलिए नहीं बना सकता है क्योंकि उसके बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है गाइस। कार्बन हमने पढ़ लिया कि कार्बन होता कैसा है, ठीक है। अब कार्बन जो है दिखता कैसा है और मिलता कैसा है हमारे नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। अब कार्बन आपको जो है फ्री स्टेट में भी मिल सकता है, मतलब कि सिर्फ वो कार्बन ही है, ठीक है, वो किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, और आपको जो है कंबाइन स्टेट में मिलता है कार्बन। अब हमें जो फ्री स्टेट में हमारे पास कार्बन मिलता है वो डायमंड की फॉर्म में मिलता है गाइस, ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, बकमिंस सल्फ्यूरिन है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। और जो आपके कंबाइन फॉर्म होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, आपके मार्बल्स, चोक, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वहां पे सब आपके कार्बन होता है, ठीक है, लेकिन कंबाउंड कंबाइंड होता है वो। अब हमें यहाँ पे देखनी है वही फिजिकल फॉर्म कार्बन की जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बने हैं कार्बन से ही लेकिन दिखते हैं अलग, प्रॉपर्टीज अलग हैं उनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखने में अलग हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहली जो आपकी जो एलोट्रोप्स की डेफिनेशन होती है, एलोट्रोप होता क्या है, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। जिस फिजिकल जितनी फिजिकल फॉर्म्स में कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, दो या दो से ज्यादा, उनको एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो हमारे पास दो कॉमन जो है एलोट्रोप्स तो आपको पता ही है, डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है। थर्ड भी होती है बकमिंस सल्फ्यूरिन, ये तीनों हमें देखनी है। अब सबसे पहले डायमंड, डायमंड आपको पता ही है डायमंड क्या होता है, ठीक है। डायमंड की एक डेफिनेशन है, डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, ठीक है। ब्रिलियंस का मतलब होता है चमक, कि डायमंड एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है, कलरलेस, इसका वो कलर नहीं होता और उसकी बहुत उम्दा चमक होती है, ठीक है गाइस। अब डायमंड आपको पता है डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है बहुत, ठीक है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है अब तक के जो हमारे पास अवेलेबल है, और डायमंड के काफी यूजेस होते हैं, आप उसको ज्वेलरी में बनाते हैं, आप उसको ग्लास कट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, डायमंड की देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो मेन है गाइस, यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना। मान लीजिए एक कार्बन का एक सिंगल एटम है, देखिए ये एक दो तीन और चार दूसरे एटम्स के साथ अटैच्ड है, ठीक है, कार्बन का जो चार एटम्स के साथ अटैच्ड है, मान लीजिए ये एक कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम यहाँ पे है, तो ये कार्बन आपका सेंटर वाला है, ये एक इससे अटैच है गाइस, एक यहाँ पे अटैच है और एक यहाँ पे अटैच है और एक यहाँ पे अटैच है। ये डोटेड जो मैंने बनाया गया है, डोटेड का मतलब ये पीछे की तरफ है, क्योंकि बोर्ड में आप जो है 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते ना, इसलिए इसका मतलब है चार बॉन्ड बना रखे हैं। और गाइस ये जो बॉन्ड होते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ये स्ट्रांग है इसीलिए क्या होते हैं, इसके कार्बन के एलिमेंट्स पास पास होते हैं, और इसीलिए आपका कार्बन बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, यही रीजन है। अब एक बात और बताइए, क्या कार्बन के पास कोई भी बॉन्ड फ्री है या कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ पे, नहीं, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसीलिए कार्बन जो है कार्बन कह रहा हूँ गाइस, डायमंड जो है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है यहाँ पे, ठीक है। डायमंड क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब ये बना किससे है डायमंड, कार्बन से ही तो बना है। अब मान लीजिए आप डायमंड को जो है हीट कीजिए, कोई बेवकूफी होगा जो हीट करेगा गाइस डायमंड को, लेकिन अगर आप हीट करते हैं उसको, सबसे पहले तो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे गाइस जलेगा, ठीक है, लेकिन जब वो गाइस डायमंड जो है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अब मान लीजिए आप डायमंड को हीट करते हैं, जो कोई नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मान लीजिए हीट करते हैं, तो वो सबसे पहले तो हीट होगा बहुत हाई टेम्परेचर पे गाइस जाके, क्यों, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है और कार्बन जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपका, ठीक है। अब आपने उसको हीट किया है तो आपका डायमंड बना किससे होता है, सिर्फ कार्बन से। अब कार्बन से जो बना है तो वो हीट होने के बाद ऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और कुछ भी नहीं बचेगा गाइस, सिर्फ आपके जो डायमंड है, आपका हीरा है, वो धुआं बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप पता चल सकता है आपको कि कार्बन जो है डायमंड जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और हीटिंग होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होने के बाद इसमें कुछ भी नहीं बचता, तो आपका डायमंड क्या हो जाता है, सिर्फ धुआं बन जाता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लाइम वाटर से रिएक्ट आते हो तो वो लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट गाइस ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस होता है, ठीक है। डायमंड आपका क्या सब्सटेंस था, ओपेक था या क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होता है क्योंकि क्रिस्टल की तरह होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में, और ये ओपेक होता है। आप उसके आर पार देख सकते हो, इसमें ये ओपेक होता है, इसके आर पार नहीं देख सकते आप। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं गाइज, ये कार्बन जो है आपके देखिए हेक्सागन की फॉर्म में है, हेक्सागन मतलब छह साइड में कनेक्टेड है कार्बन आपके। अब इस तरीके से ही ये पूरी एक लेयर में कनेक्ट है, जैसे आपकी थिन शीट्स होती है ना, शीट्स हैं चादर की तरह, इस तरीके से कनेक्ट है, इस तरह इसकी लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स कनेक्टेड होती हैं वीक वंडर वॉल फोर्सेस से। अब ये वीक वंडर वॉल फोर्सेस से कनेक्टेड हैं गाइस, तो इसीलिए ये क्या होंगी, दूर दूर होंगी, क्योंकि वीक फोर्सेज हैं इनके बीच में, और इसीलिए आपका ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और यही रीजन है आपका जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बकमिस्टर फुलरीन की। ये बकमिस्टर फुलरीन जो है 60 कार्बन एटम से बनता है गाइस। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसको हम C60 बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी गाइस, फुटबॉल में आपके ब्लैक पार्ट भी होता है, व्हाइट पार्ट भी होता है। मान लीजिए आपका ब्लैक पार्ट ये पेंटागन से बना है, पांच साइड्स हैं उसकी, और व्हाइट पार्ट आपके हेक्सागन से बना है बिल्कुल, और हर एक वर्टेक्स पे आप इसके हर एक एंड पे कार्बन एटम रख दीजिए, तो जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका क्या बनने वाला है, बकमिस्टर फुलरीन। बकमिस्टर फुलरीन में 20 तो हेक्सागन्स होते हैं और 12 पेंटागन्स होते हैं। इस तरीके से हमारे ये तीनों एलोट्रोप्स होते हैं। आपका डायमंड जो है क्या होता है, नॉन कंडक्टर, ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, और आपका ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है डायमंड आपका। ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट। बकमिस्टर फुलरीन क्या होता है, ना ही तो सॉफ्ट होता है और ना ही इतना हार्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है गाइस, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। इसका स्ट्रक्चर है फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और इनके बीच में वंडर वॉल फोर्सेस हैं स्ट्रक्चर्स के बीच में, इसीलिए सॉफ्ट होता है, ठीक है गाइस। इस तरीके से ये तीनों एलोट्रॉप्स थे आपके। हमारे वीडियोस देखते रहिए गाइस, थैंक यू। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो गाइस प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।